देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा प्रोटोन का प्लांट है ये सब, ये सभी कटिंग से तैयार किया है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे कटिंग से मैंने इन प्रोटोन की प्लांटों को तैयार किया है। देखिए दोस्तों ये वाला तो सबसे छोटा है जो मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से बड़े ही आसानी से प्रोटोन की कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो कैसे तैयार करेंगे, किस तरह से आपको इन सभी कटिंग को लगाना होगा ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो सके, वो सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक ब्लैक कॉटन का हेल्दी सा ब्रांच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस ब्रांच को चुना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भीगा हुआ है क्योंकि मैं दो दिन पहले इसको लेकर आया था तो टाइम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पानी में रख दिया। इसलिए ये देखिए अभी तक एकदम हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों इसमें से मैं कटिंग को ले लूँगा, मैं ये वाला जो कटिंग है इसको मैं अब ले लूँगा। तो पहले तो मैं 45 डिग्री एंगल करके इसको इस तरह से छांट लूँगा। देखिए दोस्तों मैंने 45 डिग्री एंगल करके इसे छांट लिया है, बाकियों को मैं साइड में कर देता हूँ, उनसे मैं और भी कई सारे प्लांट बनाऊँगा। तो अब हम क्या करना होगा, ये जो मैंने पानी में भिगो कर रखा था यहाँ तक लगभग 2 इंच तक, मैं इसको इस तरह से घिस दूँगा। दोस्तों इस तरह से आप हल्के से घिस दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसकी ऊपर का जो भूरा हिस्सा है वो पूरी तरह से निकल रहा है और नीचे का जो ग्रीननेस है वो देखिए दोस्तों बाहर आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये ऊपर का जो भूरा हिस्सा है इसको इसीलिए मैं इससे निकाल रहा हूँ ताकि ये अच्छे से प्रोपोगेट हो जाए और बहुत ही जल्द से जल्द मुझे एक प्लांट मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो आपकी एक भी कटिंग मिस नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने कटिंग पर वीडियो मैंने बनाया है कि आप कटिंग को किस तरह से ग्रो करेंगे। तो वे अब दोस्तों इसमें मेरा लगाऊंगा रूटिंग हार्मोन। तो दोस्तों मैं तो रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसके बदले एलोवेरा का जो जेल है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने एलोवेरा का कटिंग ले लिया है और देखिए दोस्तों पूरा एकदम जेल है इसके अंदर। तो अब दोस्तों मैं इसके ऊपर इस एलोवेरा का जो जेल है इसको अच्छी तरह से लगा दूंगा, पूरा एकदम जेल अच्छी तरह से इसके साथ लगा देंगे हम दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका जो जेल है अच्छी तरह से लगा दिया है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम इसको जिस पॉट में लगाएंगे वो पॉट पहले हम चुन लेंगे। तो दोस्तों मैं इसे एक चेंज के पॉट में लगाने वाला हूँ। मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, रेत, वर्मी कॉम्पोस्ट और कोकोपीट आप इक्वल मात्रा में मिलाकर ये जो मिट्टी है ये सब तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लांटों के लिए कोई ज़्यादा भुरभुरा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होता है, ये नॉर्मल मिट्टी में ही तैयार हो जाता है। लेकिन मैं पॉट में लगा रहा हूँ इसीलिए मैं बाकी 3 चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया है ताकि पानी अच्छे से निकल सके। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे दोस्तों, और अब पानी निकल जाने तक मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस पानी को निकल जाने दीजिए, तब तक ये जो एलोवेरा का जेल है ये इस पर और भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो दोस्तों पानी देखिए पूरा एकदम निकल चुका है और अब हम हमारे इस कटिंग को लगाने के लिए जगह तैयार कर लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक गड्ढा तैयार कर लेंगे बीच में से, एकदम बीच में पूरा हम पहले गड्ढा तैयार कर लेंगे ताकि हमें हमारे इस प्लांट को धकेल कर इसके अंदर लगा लेना हो, हम इसको इजीली इसके अंदर डाल सकें। तो गड्ढा हमने तैयार कर लिया है और ये देखिए दोस्तों एलोवेरा जेल अभी तक इसके अंदर है, और भी थोड़ा सा हम इसके अंदर लगा देते हैं एलोवेरा जेल को। ये दोस्तों है एलोवेरा जेल। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको मिट्टी में लगाने से पहले इसके जितने भी ये जो पत्तियाँ हैं इसे हम इसमें से निकाल देंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग अगर इस तरह से सारे पत्तियाँ अगर निकाल देंगे तो आप जो भी कटिंग लगाएंगे वो बहुत ही तेज़ी से प्रोपोगेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जब पत्तियाँ आप इसके अंदर रखेंगे तो पहले तो आपकी ये सभी पत्तियाँ सूख कर गिर जाएगा, उसके बाद नया पत्तियाँ निकलेगा। तो आप अगर खुद ही से ही इन पत्तियों को अगर निकाल देंगे तो आपका जो ये प्लांट है, जो ये कटिंग है, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होना चालू हो जाएगा, उसका एनर्जी लॉस कम होगा, टाइम लॉस कम होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका टॉप को भी छांट दिया है ताकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस इसमें से आ जाए। तो अब दोस्तों हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और मिट्टी को चारों तरफ से हम इस तरह से बीच में लगा देंगे एकदम पूरा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे हम लोग एकदम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर छायेदार जगह हो, इसके ऊपर धूप गिर ना सके।
तो दोस्तों बहुत ही जल्द इसमें से नए नए जो रूट है, जो ब्रांचेस है, वो आना शुरू हो जाएगा, उसका अपडेट हम तब लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन बाद। तो हम लोग लौट रहे हैं और 16 दिन बाद मैंने बाद में और भी कई सारे कटिंग लगाया था, तो उनका अपडेट मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर नहीं किया था, लेकिन अब मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखिए दोस्तों 16 दिनों के अंदर अंदर इन सभी में नए नए ब्रांचेस आना शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द ये और भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन बाद। दोस्तों कुल मिलाकर 23 दिन हो चुका है हमारे ये कटिंग लगाए हुए और आप सभी देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और इस वक्त हमें इनको थोड़ा सा धूप में रखना चाहिए। तो इस वक्त हम इनको लगभग 2 से 3 घंटे का धूप मिले ऐसी जगह पर हम रखेंगे और इनको और अच्छी तरह से ग्रो होने देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन बाद जब हम इनको पहली बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन बाद। तो दोस्तों हम लोग लौटे हैं पूरे 45 डेज बाद। तो दोस्तों इन 45 दिनों में आप देख ही सकते हैं मेरे हर एक क्रोटोन का प्लांट बड़े ही अच्छी तरह से ग्रोथ ले चुका है। मैं इनमें से एक को निकाल कर दिखा भी देता हूं जो सबसे छोटा कटिंग है। इस कटिंग को आपने देखा ही होगा कि मैंने इस वाले कटिंग के टॉप को जो छांटा था उन्हें ही मैंने लगा दिया था इन दोनों तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरह से जड़ आया है। तो मैंने इसको थोड़ा लूज कर लिया है, अब इसको मैं निकालूंगा इसमें से। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से इसका देखिए जड़ निकल कर आया है। सिर्फ इतना सा छोटा सा ही कटिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं है। चलिए दोस्तों मैं इसके आपको साफ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा पानी में इसको साफ कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से देखिए दोस्तों ये जड़ निकल कर आया है, पूरा एकदम भर कर जड़ आया है पूरा। और अब मैं इसको किसी भी पॉट में लगाऊंगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ ले लेगा। तो दोस्तों हमारा जितने भी कटिंग हमने बाकी सब लगाया है वो भी कितनी अच्छी तरह से जड़ पकड़ चुका होगा, आप इस छोटे से कटिंग को देख कर ही आप सभी समझ सकते हैं कि इतने छोटे से कटिंग से अगर इतना ज़्यादा जड़ आया है तो इन सब में कितना जड़ सही तरह से आ चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमारा ये सभी जो कटिंग है ये अच्छी तरह से ग्रोथ ले चुका है, तो अब हमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसको देना होगा ताकि ये और भी अच्छी तरह से ग्रोथ ले सके। तो दोस्तों उससे पहले हमें हमारे इस छोटे से जो कटिंग को हमने इसमें से निकाला है इसको हम पहले पॉटिंग कर देंगे। अभी के लिए इसके लिए हम 4 इंच के पॉट चुन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा कटिंग है, तो इसके लिए 4 इंच का पॉट एकदम सही है, इससे ज़्यादा बड़ा पॉट हम इसको नहीं देंगे इसका। तो चलिए दोस्तों हमने इसके नीचे की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने पूरा तैयार कर लिया है और मैं यहाँ पर मेरे गार्डन की पुरानी मिट्टी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मेरे जो बाकी प्लांट है उनके लिए जो मैं मिट्टी तैयार करता हूँ वही मिट्टी है, मैं इसके लिए कोई अलग से मिट्टी तैयार नहीं किया है। तो दोस्तों अब मैं इन मिट्टी को इसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर है दोस्तों 50% गार्डन सॉइल, 20% है इसके अंदर दोस्तों रेत, 20% है कोकोपीट और 10% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट, जो भी हो आप मिलाकर ये जो मिट्टी है आप तैयार कर सकते हैं क्रोटॉन के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा भुरभुरा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होता है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसे आपको इंडोर में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर बहुत ही स्वस्थ रहता है, इसको फुल सनलाइट चाहिए होता है, साथ ही इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम इसको सही तरह से एकदम बीच में हम इसको पॉटिंग कर देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से हमें पहले मिट्टी को इसको दबा देना होगा ताकि पानी डालते वक्त मिट्टी ज़्यादा नीचे की तरफ ना जा पाए। तो इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया है, अब इसके बाद फर्टिलाइज़र भी दूंगा क्योंकि इस मिट्टी के साथ मैंने किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र मिलाया नहीं था। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र देने से पहले हम और एक कटिंग को भी देख लेंगे कि ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस ये जो कटिंग है ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है। तो बस पीछे से हल्का सा दबाव डालने से ही ये निकल आया है दोस्तों, और ये देखिए
ये कितनी अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, ये ग्रो हो चुका है एकदम नीचे। देखिए दोस्तों, इसका रूट बाउंस होना शुरू हो चुका है पूरा एकदम। पॉट जो पॉट का टुकड़ा मैंने दिया था उसको भी ये पकड़ लिया है पूरा एकदम। बहुत ही अच्छी तरह से ये कटिंग ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, अब हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा और इसको बरसात के बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि बरसात के बाद इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सर्दियों के वक्त हमारा ये जो प्रोटोन का प्लांट है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और आने वाले गर्मियों की पहले हम इसको इसकी पॉट से चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो दोस्तों, इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही इसके लिए एक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है। इसके अंदर हमने लिया है दोस्तों नीम खली पाउडर, बोन डस्ट और दोस्तों इसके अंदर है सुपर फॉस्फेट। इन तीनों को ही एक समान मात्रा में मैंने मिला लिया है और अब मैं इनको इन प्लांटों में दे दूँगा। इन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि ये सिर्फ ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और अपनी ज़्यादा बेहतर जो पत्तियाँ हैं उसको ये छोड़कर शुरू करेंगे छोड़ना। तो बस थोड़ा सा थोड़ा ही हम देंगे। 4 इंच के पॉट के लिए 1 टीस्पून बराबर हम देंगे। 6 इंच पे भी हम 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा यानी कि लगभग 1.5 टीस्पून हम लोग इसके अंदर देंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र इनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ना ही इससे हमें फल या फिर सब्जियाँ मिलेगा। तो इसलिए इसको बस थोड़ा सा ही अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो इनके लिए काफ़ी होगा और ये इसी में बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव भी करेंगे और अच्छी तरह से ग्रोथ भी लेंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, पूरा एकदम जितने भी प्लांट हमारा था उन सभी के जड़ों में हमने डाल दिया है। बस हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में मैं इसको पॉट से निकाल कर पहले बीच में लगा दूंगा, उसके बाद मैं इस पर फर्टिलाइज़र दूंगा। चिंग में भी मैंने फर्टिलाइज़र डाला है, उन सभी में मैं पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने हर एक क्रोटॉन की जो प्लांट था उनकी जो मिट्टी थी इन सभी को मैंने गुड़ाई कर लिया है। अब बारी आता है दोस्तों पानी डालने का। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज नया इसको पॉटिंग किया है उस पर भी मैं पानी डाल दूंगा इस वक्त। तो दोस्तों, अब आप इसका ख्याल किस तरह से रखेंगे, क्योंकि अभी आपने इसकी कटिंग को ग्रो किया है। तो ग्रो करने के लिए जो मैंने बताया है आपको, जो जो तरीका आपको दिखाया है, उसी तरह से आप ग्रो तो कर लेंगे, लेकिन अब इसको किस तरह से हम लोग केयर करेंगे। हम लोगों ने तो इसको अच्छी तरह से ग्रो कर लिया है, कटिंग से अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है, लेकिन अब आगे इसका जो केयर है वो अलग तरह से होगा। अब बारिश का मौसम है तो हम इसको पूरी तरह से एकदम बाहर रख देंगे। इसको अगर बारिश का पानी मिलेगा इस वक्त तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मैंने जिस तरह का मिट्टी तैयार किया है इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहरेगा नहीं। बस ये सूखा मिट्टी है इसीलिए 2 बार मैंने पानी दिया है, जिससे कि ये इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है पूरी अच्छी तरह से भीग जाए। ज़्यादा पानी गिरने से इस प्लांट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आपकी प्लांट की पॉट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही होगा तो। तो दोस्तों, मैं जिस तरह से कहता हूँ इसी तरह से अगर आप अपने क्रोटॉन का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही जल्द देखिएगा दोस्तों, आपका क्रोटॉन की कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है, साथ ही आगे चलकर ये बहुत ही अच्छी तरह से बड़े होकर घना भी हो चुका है। तो दोस्तों, इसको कैसे भूसी आप बनाएंगे, कैसे आप इसको एकदम राउंड शेप में लुक देंगे, वो सब के ऊपर आगे वीडियो आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले जी के बाकी वीडियोज़ को। चलता हूँ दोस्तों।